He's so ungrateful and he's so pissing off. He wanted me to get dumped. उसको सिर्फ ये दिखाना था कि नहीं मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं लवर बॉय हूँ. तो yesterday I told her, Sindhu, next time you don't fucking do this shit with me. Like you don't like ask me to like shut up when I am like standing up for you. Well, I am the first ideal match and you saved me only once. What's up guys? You're watching MTV Splitsvilla 14 and मैं खड़ी हूँ यहाँ पर Miss Akash Teena के साथ. What's poppin? Nothing much actually. कल रात मेरी झगड़ा हो गया. मेरी झगड़ा हो गया किसके साथ? मतलब कशिश के साथ. क्यों? क्या हुआ? He's so ungrateful and he's so pissing off. It's insane. क्योंकि कल महक का नाम लिखने वाले थे हमिद और संदूस और मैंने बार बार उनको बोला कि मत लिखो मत लिखो. पैमा और आमिर को भी मैंने बोला कि महक का नाम मत लिखो. और फिर जब पेयरिंग की बात आई तब मैंने कशिश को बार बार बोला कि बोलो महक को समद के साथ पेयर होने के लिए ताकि वो एटलीस्ट सेव हो जाए. तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली पिचिंग फॉर महक. आई डोंट थिंक ही रियलाइजेज दैट आई एम एक्चुअली सपोर्टिंग हिज रिलेशनशिप व्हाटएवर इट इज़ विद महक. एंड इट्स जस्ट लाइक पिसिंग मी ऑफ क्योंकि कल क्या हुआ पता है? सनी मैम गलती से सनी मैम ने बोला कि आकाश लीना एंड समर्थ लाइक कशिश गॉट डम्प एंड देन कशिश इज सिटिंग बिसाइड मी एंड ही सेइंग हाँ यही होना चाहिए था. सो ही वांटेड यू टू बी विद समर्थ? नो ही वांटेड मी टू गेट डम्प्ड. ही इज सो अनग्रेटफुल. मेरी वजह से वो सेफ बैठा है. मैंने उसको सिलेक्ट किया चैलेंज परफॉर्म करने के लिए. ओरेकल के सामने खड़े होकर वो मुझे बोल रहा है कि 90% मुझे पता है कि हम बन जाएंगे आइडियल मैच. एंड आफ्टर दैट दिस होल एटीट्यूड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. एंड यस्टरडे व्हाट हैपेंड वाज आई कॉट हिम इन हिज लाई. तो उसने हिबा का नाम लिखा और मैं बार बार उसको बता रही थी कि मुझे हिबा को डंप नहीं करना नहीं करना नहीं करना. फिर भी उसने लिखा एंड आई वॉज लाइक यू नो बींग एन अंडरस्टैंडिंग आइडियल मैच एंड आई रोट नीचे हिबा के नाम के नीचे आई एम सॉरी आई लव यू. और उसने उसके फ्रेंड्स को बताया कि हिबा के नाम के नीचे मैंने लिखा आई एम सॉरी आई लव यू. ही कम्प्लीटली यूज्ड व्हाट आई डिड एंड देन आई कॉट हिम इन हिज आई. आई कन्फ्रंटेड हिम इन फ्रंट ऑफ प्राक्षी एंड ही जस्ट लाइक लॉस्ट इट. एंड आई केप्ट टेलिंग हिम डिड यू टॉक टू महक डिड यू टॉक टू महक अबाउट व्हाट आई डिड फॉर हर टुडे. And he was like, I don't want to speak to you right now. I don't want to speak to you right now. So I told him that every time he's not going to get his way. Next time he does this crap with me, I'll show him his place. I was going to get to that. My next question to you, yehi tha, ki I remember when Akash Teena entered the villa, disrespect, self-respect were your priorities, yes. Right? No disrespect and your self-respect would come first. Yes. Considering the way Kashish aapko treat kar raha hai, तो एक्चुअली क्या है ना लाइक आई ऑलवेज से आई डोंट वॉन्ट टू लाइक यू नो लीव एनी थिंग अनडन फ्रॉम लाइक माई साइड. तो मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग बनूँ थोड़ा सा. उसको मैं स्पेस दूँ टाइम दूँ ताकि मैं बाद में जाके जब एक्सप्लोर करूँ ना सो नो बडी कैन लाइक पॉइंट अ फिंगर एट मी. करेक्ट. बिकॉज राइट नाउ आई एम बींग एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन. आई एम बींग एन अंडरस्टैंडिंग आइडियल मैच. I am trying to come to a mutual agreement with him. He is the one constantly like opposing me. कल वो बैठ के मुझे बोल रहा है कि आई ट्रस्ट यू आई डोंट ट्रस्ट हामिद और संदूस. मतलब उसका ये कॉन्ट्रोडिक्टिंग बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है. सो बट वॉट हैपन्स बिकॉज उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है आकाश रीना विद महक. वॉट इफ ही लीव्स हिज पावर? इट्स ऑल बुलशिट. You don't think it's gonna bullshit. Happen. It's bullshit. Okay. He loves his power. Okay. और जो उतना बोलता है ना कि मुझे शो नहीं जीतना उसको जीतना है. उसको हामिद और संदूस के साथ कम्पीट करना है और उसे पता है कि मेरे साथ ही वो हो पाएगा. He knows that very well. ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ये भी पता था कि हम आइडल मैच बनने वाले हैं. उसको ये भी पता था कि उसको ओरेकल के सामने जाना चाहिए. उसको सिर्फ ये दिखाना था कि नहीं मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं लवर बॉय हूँ. So he's trying to like create this whole lover boy angle and then he's gonna show, yeah, because he's gonna show that oh like my connection's getting dumped, I'm gonna cry and then he's gonna play the game, then he's gonna go against Hamid and Sundus with me. So Akash Teena, main ye samjhu aap itne confident ho that he what he's showing for Mehak is fake, is that what you're I think about? What he's showing for Mehak is not fake but this overly like you know showing that I'm a lover boy, I'm in love with this girl, that is a little fake. और ये बार बार बोलना कि उसको शो नहीं जीतना उसको गेम नहीं खेलना वो गेम पहले दिन से खेल रहा है. तो आई थिंक दैट इज़ फेक. हनी का कनेक्शन
आजकल उड़ गया हवा के साथ. आई मीन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कशिश टू गो, इट वाज़ अ बमर फॉर मी आल्सो. क्या सोच के कशिश का नाम लिखा? ये एक्चुअली हमारा प्लान था और वो वर्क कर गया. तो हमारा मीन्स कौन कौन इन्वॉल्व? मेरा, पैमा का, आमिर का, सुंदूस का, हामिद का और मूस का. क्योंकि आमिर टोल्ड अस दैट दैट वाज हिज डिसीजन. Yeah, but then we all came to like an agreement that we are gonna make the way for Moose. जो हमने नहीं सोचा था वो ये है कि अब महक और हनी पेयर अप होने वाला है. क्योंकि हमको लगा था अगर कशिश इक्वेशन से बाहर चली जाएगी तो मूस अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी थी, आपको पता है कि अगर कशिश उड़ गया तो महक तो है. You know what I mean? I mean, Moose also said that मैं तो अब कशिश को निकालने वाली हूँ और उसको निकालने के बाद मैं तुम्हारे साथ पैर भी नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, Moose ने ये बोला था, लेकिन हमको पता था कि हमें इधर महक और कशिश को निकालना है. लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया कि महक का नाम अभी मत लिखो क्योंकि मुझे पता है ये टाइमिंग गलत है. इसके बाद तो महक का टाइम भी आएगा. आकाश लीना नोस इट ऑल. आई डोंट नो इट ऑल बट आई थिंक आई हैव अ प्लान इन माय हेड. आई थिंक यू आर गोइंग गुड आकाश लीना फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव. ये मेरा थैंक यू. आगे क्या होगा मुझे नहीं पता आपके साथ. या कुछ भी हो सकता है. कशिश कैन पॉसिबली लीव हिज पावर्स इफ हिज कनेक्शन इज जेन्युइन विद. आई डोंट थिंक कशिश वांट्स टू लीव हिज पावर्स. ही डजंट. ही इज लविंग हिज पावर्स. ओके आकाश लीना, मूविंग ऑन. All right, what is your chemistry now with Sondus? Because Hamid and Kashish are not really getting along. देखो उसके साथ मेरा जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो सेम रहेगा. लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें अभी थोड़ा शेडी लग रहा है. लाइक येस्टरडे व्हेन हनी वॉज नॉट लेटिंग सिंधु स्पीक, आई वॉज आस्किंग हनी टू शट अप और सिंधु पीछे मुड़ के बोल रही तू चुप कर, तू चुप कर. तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. या सो वॉट आई फील लाइक संदूस थिंग इज, वो जब बोलती है ना तो उसको किसी और का आवाज़ नहीं सुनाई देता. किसी और मतलब तू क्या, वो कौन किसको क्या बोल रहा है वो उसको सुनाई में नहीं देता. तो यस्टरडे आई टोल्ड हर संदूस, नेक्स्ट टाइम यू डोंट फकिंग डू दिस शिट विद मी. लाइक यू डोंट लाइक आस्क मी टू लाइक शट अप व्हेन आई एम लाइक स्टैंडिंग अप फॉर यू. और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि वो बार बार हामिद के सामने ये बोलती है कि आई हैव टू सेव आकाश लीना बैक टू बैक इन द डंपिंग. वेल I am the first ideal match and you saved me only once. And I return the favor by saving your connection, by going against honey and saving your connection. So I think ye favor to return ho gaya hai aur hum equal bhi ho gaye hai. To mujhe ye cheez matlab thoda sa hit karta hai ki bar bar wo ye cheez kyu bolti hai. Because ye to kabhi hua hi nahi. Ye baat bhi sahi hai. Aur ek cheez jo mujhe yaad aa rahi hai, I remember she had made very low comments about Aradhana also. Yes. पर जब ये बातें निकली थी डोम सेशन में उसने डिनाई कर दिया. जब उसने उसको हॉर्नी बिच कहा था तब मुझे पता चल गया था कि इसके वजह से वो बहुत अटैक होने वाली है और इसके वजह से मैं भी अटैक होने वाली हूँ बिकॉज आई एम हर फ्रेंड. बट आई डिड टेल हर दैट यू नो पर्सनली आई डिड टेल हर व्हाट यू सेड वाज रॉन्ग. या आई वेरी क्लियरली रिमेंबर शी सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आराधना इज अ पब्लिक टॉयलेट एंड सब उसको आके यूज कर रहे. That is bad. That is extremely feel, bad. Yeah. But at the end, you choose your own battles. Exactly. आपने decide किया कि आप संदूस की bestie हो. Bestie तो हूँ, but game perspective से देखा जाए तो मुझे अब अपना game खेलना है. तो I'm not gonna let her tell me what to do. One message to Sandus. See you at the finale, I guess. Okay, man. That's our Akash Veena, and she had quite a lot to say about this season and her friends. But you guys stay tuned and keep watching us on MTV Splitsvilla, only on MTV and Hulu.